गाइस, मैं आज यहाँ बनाने जा रही हूँ करेले। आप मीडियम साइज के करेले ले सकते हो। इसके लिए मैं इनको भरमा बनाऊंगी। ये मैंने एक पैन में पानी थोड़ा सा बॉईल कर लिया है और इसमें नमक ऐड कर लिया है। ये बहुत लाइट बॉईल किया है मैंने। अब बस इसमें मुझे करेलों को छोड़ना है जिससे कि ये थोड़ा सा इसका जो कड़वापन होता है वो निकल जाए। मैं इसमें इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। जब तक हमारी करेले नमक के साथ में अपना कड़वापन छोड़ रहे हैं तब तक हम आगे की रेसिपी फॉलो करते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी सी सौंफ ले ली है। इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी दो लौंग और थोड़ा सा जीरा ले लिया है। इस मसाले को हम तवे पे अच्छे से गरम करेंगे। अब हम करेलों को थोड़ा सा बॉईल करेंगे और बॉईल करते टाइम आपको इसमें थोड़ा नमक ऐड करना है और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी हमने इसलिए डाली है क्योंकि करेलों का कलर बनाते टाइम ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो अगर हम हल्दी डालते हैं तो इनका कलर ग्रीन रहता है, ब्लैक नहीं होता। अब ये बॉईल हो रहे हैं, बहुत कम ही बॉईल करना है इनको। और जब ये करेले मैंने छीले थे तो हमारा ये इनके ऊपर का जो छिलका है उसे मैंने निकाल दिया था। इस छिलके में हम नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करके इस तरीके से मिला देंगे हम, और इसको जब तक करेले बॉयल हो रहे हैं तब तक इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे जिससे कि इसका कड़वापन निकल जाए सारा। बॉयल हो चुके हैं, अब बस मुझे इसके अंदर की बीज बाहर निकालने हैं। इसका अंदर का जो भी मटेरियल होता है वो आपको बाहर निकालना है। हम इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बीज हम सब्जी में नहीं डालते हैं। और मैंने इनको ज़्यादा बॉयल नहीं किया है, बहुत हल्का। और आप देख सकते हो इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है, ये जैसे थे वैसे ही हैं। मैंने बस इनको थोड़ा सा कट कर दिया था, मैं आपको बताना भूल गई थी, अब बता दिया है। जिस तरीके से करेले मैं बना रही हूँ ना, अगर आप वैसे ही बनाओगे आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऑयल डालूंगी। इसमें हम अपने इन करेलों को फ्राई करेंगे। सारे करेले एक साथ डाल दो। मैंने अपनी सारी करेले यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिए हैं, थोड़ा थोड़ा फ्राई हो जाएं, उसके बाद में हम इनको निकाल लेंगे। जब तक करेले बॉयल हो रहे हैं मैं इसका पानी निकाल देती हूँ। इसने बहुत अच्छे से अपना पानी छोड़ दिया है। हमने इसका पानी निकाल दिया है। मेरी करेले भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं, इन्हें कलर चेंज किए। जब तक हमारी करेले फ्राई हो रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसका मसाला रेडी कर रखा है। ये है ग्रीन चिली, इसमें मैंने डाला था वो सूखा मसाला जो भी भुना हुआ था। इसमें टमाटर, प्याज, इनको मिक्स करके मैंने इसको पीस लिया है और एक पेस्ट बना लिया है। अभी मुझे इनको फ्राई करने आए। वो करेले फ्राई हो गए हैं, अब हम इसको और फ्राई कर लेते हैं जिससे कि इसमें जो भी बचा कुछ कड़वाहट है वो सब निकल जाए फ्राई होकर। अब इसमें हम डाल देंगे अपना ये मसाला। इसको अब अच्छे से चला के मिला लेंगे। ये बस काफी मसाला हो गया है करेले में होने के लिए। बस ये ध्यान रखें कि इसको बनाते टाइम अपने फेस को थोड़ा दूरी रखें क्योंकि इसमें से थोड़ी छींटें आती हैं जो आपके फेस पर भी जा सकती हैं। खाना बनाते टाइम सावधानी भी रखनी चाहिए, मेरी तरह। मैं काफ़ी कवर अप करती हूँ अपने आप को। इसमें अब हम डालेंगे मसाले, थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ा सा नमक। याद रखें कि हम पहले से नमक इसमें ऐड कर चुके हैं,
करेलों को बॉईल करते टाइम भी, उनको फ्राई करते टाइम भी, और थोड़ा सा ये धनिया पाउडर, थोड़ी सी आप हल्दी भी डाल दीजिए। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है, अभी थोड़ी ठंडी हो जाए। मेरे स्टफिंग रेडी है और मेरे छोटे मोटे गोल मटोल करेले भी रेडी हैं। अब मैं स्टफिंग इसमें फिल करूँगी। इसी तरीके से हम ये सारे करेले फिल कर लेंगे। कंप्लीट हो चुकी है, हमारे करेले खाने के लिए तैयार है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।